हेलो दोस्तों, तो आज ये मेरे पास है ब्रेजा एलेक्साई, और आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि ऐसे इसमें कौन से रीजन है, ऐसे इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ और मैंने ये गाड़ी कंसिडर की फाइनली। तो सारे फैक्टर्स पे आपको डिटेल में बताएंगे किस वजह से ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी है, तो डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहला जो पॉइंट है, बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग। तो जिस प्राइस पॉइंट पर मुझे मिली है, हालांकि आप भी नॉर्मली इसका 8.5 से 8.25 लाख रुपए बेस मॉडल का चल रहा है ऑन रोड, अदर अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट पे रहे, तो अगर नेगोशिएट थोड़ा बहुत करोगे तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये गाड़ी अभी अवेलेबल हो जाएगी, और थोड़ी बहुत एसेसरीज भी आपको शोरूम से मिल सकती है डीलर से, तो नेगोशिएट करना थोड़ा बहुत और आपको अच्छी डील मिल जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका बॉडी लैंग्वेज और डिज़ाइन मतलब इतना शानदार है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा आता है, आपको लगता ही नहीं ये कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप है। रोड पे अगर दूर से देख रहे हो तो आपको एक अपर सेगमेंट की ही गाड़ी लगने वाली है डेफिनेटली। तो रोड प्रेजेंस इसकी बहुत शानदार है, जो मुझे काफ़ी पहले से ही पसंद था। और सबसे बेस्ट चीज़ इस गाड़ी की ये है, क्योंकि इसमें जो टायर प्रोफाइल है वो आपको सेम मिलता है, जो आपको रेगुलर टायर की साइज़ है 205/60R16, वही आपको स्पेयर व्हील का साइज़ मिलता है। चलिए दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 205/60R16। तो इसका बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि बेस मोटर लेके अगर आपको एलॉय व्हील्स डलवाने हैं तो आपको टायर चेंज कराने नहीं पड़ते हैं, आपके यही सेम टायर एलॉय व्हील्स में फिट हो जाते हैं, क्योंकि टायर की प्रोफाइल जो है वो टॉप मॉडल वाली ही सेम दी है, तो ये आप इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट भी हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करें तो वो है आपके ORBMs और डोर हैंडल, ये आपको बॉडी कलर्ड में ही मिलते हैं, ये आपको कोई भी ब्लैक कलर में नहीं मिलने वाले हैं, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको बेस मॉडल जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और भाई अभी फ्रंट पे आ जाए तो फ्रंट पे इसके जो हेडलैम्प हैं वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, जो कि जिसका थ्रो नाइट में बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये भी इस सेगमेंट में यही एक ऐसी गाड़ी है जो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर देती है। और हेडलैम्प बहुत ही अच्छे हैं, सेम टेल लाइट भी आपको LED और हेलोजन दोनों के ही कंबाइंड कॉम्बिनेशन के साथ में मिल जाता है, जो कि नाइट के टाइम पे बहुत अच्छा विजिबिलिटी देती है। और अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपको चारों ही डोर आपको पावर विंडो मिलने वाले हैं, जो कि इस सेगमेंट में कोई नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको पावर विंडो चारों डोर मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट बात करें तो इसके म्यूजिक सिस्टम की, हालांकि म्यूजिक सिस्टम 2-in-1 वाला ही आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, पर इसमें आपको 4 स्पीकर + 2 ट्विटर्स के साथ में मिलता है, जिसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप अपग्रेड भी कराना चाहते हो तो आपको स्पीकर्स और ट्विटर अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आप टच वाला डलवा सकते हो, जिसका साउंड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें तो इसका सीटिंग कंफर्ट, जो कि सीटिंग कंफर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब अंडर थाई सपोर्ट और सीटिंग पोस्चर भी, आपको लॉन्ग राइड में भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली फ्रंट और रियर दोनों में ही, हालांकि रियर में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे पर कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और भाई केबिन स्पेस की भी बात करें तो बहुत ही एरी केबिन मिलता है, खुला खुला पूरा, और स्पेस भी अच्छा मिलता है। बात करते हैं इसके इंजन की, इंजन इसका सबसे ज़्यादा प्लस फैक्टर है, क्योंकि इंजन इतना साइलेंट है और 4 सिलेंडर इंजन है, क्योंकि इस सेगमेंट में जो भी आता है नॉर्मली 3 सिलेंडर ही देते हैं, और ये 1.5 4 सिलेंडर इंजन है पेट्रोल, जो कि बहुत ही सुपर फाइंड इंजन है मारुति की तरफ से, और साइलेंट भी उतना ही ज़्यादा है, आपको 2000 RPM तक तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो इंजन की रिफाइनमेंट बहुत ही आलीशान है। और पावर भी 103 BHP का पावर प्रोड्यूस करती है 138 Nm टॉर्क के साथ में, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इसका सबसे तगड़ा प्लस पॉइंट है 4 सिलेंडर डीजल इंजन होने का। तो ये सारे पॉइंट थे जो ब्रेजा को उसके सेगमेंट में सबसे अपर बनाता है उसके बेस मॉडल को। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपर मॉडल या कोई भी दूसरे को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेस मॉडल को कंपेयर कर रहा हूँ और उसके फीचर्स को कंपेयर कर रहा हूँ,
उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में इतनी प्राइसिंग के साथ में ये सबसे बेस्ट गाड़ी है, और जो ऑफर करती है ये फीचर्स वो कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में नहीं कर रही है इस टाइम पे। हाँ, बात करें मैग्नाइट और दूसरे की, वो करते हैं नो डाउट, वो कम्प्लीटली अभी नया प्रोडक्ट है, कि रिलायबल कितना होगा वो आगे जाके पता चलेगा, पर ये एक ट्रस्टेड और जाना माना प्रोडक्ट है, बहुत रिलायबल है, ऊपर से मारुति का है और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आता है, मेन चीज़ वो। तो अगर आपको ये एक अच्छी डील के साथ में मिल रही है तो आप इसको छोड़ो मत, ले लो और काफ़ी खुश रहेंगे इन फ्यूचर में इसके साथ में। तो फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन का। तो मैंने बहुत से और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप ब्रेजा की सीरीज जाके देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से आपको प्राइसिंग का पता चल जाएगा मुझे ये गाड़ी किस प्राइस पे पड़ी। तो और ये सारे फैक्टर रहे कि मैंने ये गाड़ी कंसिडर क्यों